हेलो गाइज, दिस इज़ विकाश एंड वेलकम यू टू कॉम्पिटेटिव इंग्लिश। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हमने मॉडल्स की पिछली वीडियोस में कैन, कुड, मे, माइट इनका यूज सीख लिया है। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे पढ़ेंगे और वीडियो के लास्ट में हम एक्सरसाइज करेंगे क्वेश्चंस की। तो अगर आप हमारी पिछली वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ सेल। सेल का यूज देखिए फ्रेंड्स, सेल का यूज फ्यूचर टेंस में होता है आई और वी के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है उनके साथ फ्यूचर में सेल का यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल दिया हुआ है, आई सेल गो टू मार्केट टुडे, मैं आज मार्केट जाऊंगा। तो यहाँ पे फ्यूचर की बात है तो आई के साथ हमने यहाँ पे यूज किया है सेल। चलिए एक एग्जांपल और देखिए, आई सेल राइट ए लेटर, मैं एक लेटर लिखूँगा। तो यहाँ पे फ्यूचर के लिए हमने आई के साथ सेल का यूज किया है। चलिए और एग्जाम्पल है, वी सेल वॉच द मूवी टू नाइट, आज रात हम मूवी देखेंगे। तो वी के साथ हमने फ्यूचर में यूज किया है सेल। आई और वी दोनों के साथ सेल का यूज होता है। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, वी सेल प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलेंगे। तो यहाँ पे वी के साथ सेल का यूज हुआ है। चलिए, ये तो बेसिक सी बात थी, चलिए आगे देखते हैं। सेल का नेक्स्ट यूज दिया हुआ है, देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने देखा आई और वी के साथ फ्यूचर में सेल का यूज होता है, बट यू ही सी इट दे, यानी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन इनके साथ भी सेल का यूज होता है। फ्यूचर में जब इनके साथ सेल का यूज होता है तो ये दृढ़ निश्चय, वादा या धमकी आदि का सेंस देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, सी सेल गो टू मार्केट टूडे, वो आज मार्केट जाएगी। अब यहाँ पे डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है कि वो मार्केट जरूर जाएगी, तो सी के साथ हमने यहाँ पे सेल का यूज किया है। वन मोर एग्जाम्पल, यू सेल बी अवार्डेड, तुम्हें अवार्ड किया जाएगा, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। तो यहाँ यू के साथ सेल का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस की बात हुई है, वादा किया है कि आपको अवार्ड जरूर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने यू के साथ भी सेल का यूज किया है। एग्जाम्पल और देखिए, यू सेल बी लेंट मनी टुमारो, तुम्हें कल पैसे उधार दिए जाएंगे। लेंट ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और जो फर्स्ट ये सेंटेंस था ये भी पैसिव वॉइस का था। तो यहाँ पे यू के साथ सेल का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्रोमिस की बात हुई है कि कोई कह रहा है कि आपको कल रुपए जरूर उधार दे दिए जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल और देखिए, ही सेल कम टू माय हाउस टुडे, वो आज मेरे घर पे आएगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन है या प्रोमिस है, कुछ भी लगा लो, दृढ़ निश्चय कि वो जरूर आएगा, तो हमने ही के साथ सेल का यूज किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे सेल का यूज दिया हुआ है सजेशन के लिए। सजेशन के लिए आई और वी के साथ सेल का यूज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और आई वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं तो वो सजेशन शो करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल है, सेल वी स्टार्ट नाउ। अब फ्रेंड्स, जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, जैसे मान लो मैं पढ़ाना शुरू करूँ, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, सेल वी स्टार्ट नाउ, यानी आपसे सुझाव लिया है, सजेशन लिया है कि अब हम शुरू करें, तो सेल वी स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे वी के साथ हमने सेल यूज करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है, जो कि हमें सजेशन का सेंस दे रहा है। चलिए और एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है, सेल आई स्विच ऑफ द फैन, क्या मैं फैन है उसको स्विच ऑफ कर दूँ। तो यहाँ पे जो वहाँ पे बैठा है उससे वो सजेशन ले रहा है कि फ़ैन बंद कर दूँ क्या। तो यहाँ पे आई और के साथ सेल का यूज हुआ है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो कि सजेशन शो कर रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए, सेल आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो खोल दूँ। तो यहाँ पे ये सजेशन ले रहा है, आई के साथ सेल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, सेल वी डांस टुगेदर, क्या हम साथ नाचें, क्या हम साथ डांस करें। तो यहाँ पे वी के साथ सेल का यूज हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सजेशन का सेंस है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है यूज ऑफ शुड। शुड का यूज हम कब करते हैं देखिए गाइज, एडवाइस, सजेशन, मॉरल ड्यूटी, इनके लिए शुड का यूज होता है। जब किसी को सलाह देनी हो, सुझाव देना हो, या नैतिक कर्तव्य या दायित्व के लिए हम शुड का यूज करते हैं। आप एग्जांपल देखिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला एग्जांपल दिया हुआ है, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम,
तुम्हें समय पे दवा लेनी चाहिए। तो यहाँ पे एडवाइस दी है, सलाह दी है, किसी ने कोई फ्रेंड बीमार है उसको बोल दिया आपको समय पे दवा लेनी चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही शुड स्पीक द ट्रूथ, उसे सच बोलना चाहिए। ये सजेशन लगा लो, एडवाइस लगा लो कि उसे सच बोलना चाहिए, या मॉरल ड्यूटी नैतिक दायित्व भी होता है कि सच बोलना चाहिए हमें। तो ही शुड स्पीक द ट्रूथ, उसे सच बोलना चाहिए, यहाँ पे शुड का यूज हुआ है। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ओबे यानी आज्ञा का पालन करना, तो यहाँ पे शुड का यूज हुआ है क्योंकि मॉरल ड्यूटी हमारे नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है कि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, शी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, उसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये भी मॉरल ड्यूटी है हमारे नैतिक कर्तव्य, या हम किसी को सलाह भी दे सकते हैं कि यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, तुम्हें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो होप आपको समझ में आया होगा। चलिए शुड का नेक्स्ट यूज देख लेते हैं। शुड का नेक्स्ट यूज यहाँ पे दिया हुआ है, शुड है वो सेल का पास्ट होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होता है। जब डायरेक्ट स्पीच में सेल दिया हुआ होता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो उसको शुड में चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई सेड आई सेल गो टू मार्केट, मैंने कहा मैं मार्केट जाऊँगा। तो ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच का है। अगर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें तो ये सेंटेंस बनेगा, आई सेड दैट आई शुड गो टू मार्केट। यहाँ पे जो सेल है इसको चेंज करके हमने शुड लिखा है, तो यहाँ पे जो सेल का पास्ट है शुड, उसका यूज हुआ है, आई सेड दैट आई शुड गो टू मार्केट। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई थॉट इट शुड बी ओके। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है, यहाँ पे थॉट है, तो यहाँ पे शुड का यूज हुआ है। अगर यहाँ पे थॉट की जगह मान लो ये सेंटेंस इस तरह होता, थिंक आई थिंक, तो यहाँ पे शुड की जगह सेल होता, बट ये जब पास्ट में है तो यहाँ पे हमने शुड का यूज किया है। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, आई थिंक इट शैल बी ओके, मैं सोचता हूँ ये ठीक है। तो अब यहाँ पे ये प्रेजेंट की बात है, तो थिंक फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में यूज होती है, तो यहाँ पे शैल का यूज हुआ है। अगर इसी सेंटेंस को हम पास्ट में बोले तो ये सेंटेंस हो जाएगा, आई थॉट इट शुड बी ओके, मैंने सोचा ये ठीक होना चाहिए या ये ठीक होगा। तो शैल का पास्ट के रूप में भी शुड का यूज होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है जो लास्ट कंजंक्शन है इसके साथ भी शुड का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो, या फिर हम बोल सकते हैं नहीं तो। चलिए एग्जाम्पल देखिए ताकि अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, रन केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। तो यहाँ पे रन केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक दौड़ो, ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। तो लेस्ट का मतलब ऐसा ना हो है यहाँ पे, तो यू के बाद जो मॉडल है वो यहाँ पे शुड का यूज हुआ है, लेस्ट के बाद हमेशा शुड का ही यूज होता है। चलिए और एग्जाम्पल देखिए अच्छे से क्लियर हो जाए, टेक एन अम्ब्रेला विद यू लेस्ट इट शुड रेन। कह रहा है अपने साथ एक छाता ले लो, अम्ब्रेला ले लो, ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। तो यहाँ पे लेस्ट के बाद शुड का यूज हुआ है। चलिए और देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सी केम ऑन टाइम लेस्ट शी शुड मिस द ट्रेन, वो समय पे आई नहीं तो ट्रेन मिस कर देती। तो यहाँ पे इस लेस्ट का मतलब नहीं तो है, तो लेस्ट के बाद सी के लेस्ट के बाद जो सब्जेक्ट है सी, उसके बाद हमने यूज किया है शुड, तो लेस्ट के साथ हमें शुड का यूज करना है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन एग्जाम, मेहनत करो ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में फेल हो जाओ। तो लेस्ट है तो सब्जेक्ट के बाद हम शुड का यूज करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं जिनमें आपको बताना है सेल का यूज होगा या शुड का यूज होगा। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, फर्स्ट सेंटेंस है लेट्स गो फॉर ए वॉक, फिर ब्लैंक है वी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे लेट्स से जो स्टार्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस, और उसका जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं, ये यहाँ पे टैग क्वेश्चन दिया हुआ है या क्वेश्चन टैग बोल दो एक ही बात है, तो जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो वो बनता है सेल वी, तो यहाँ पे सेल का यूज होगा। इस ये सेंटेंस बनेगा लेट्स गो फॉर ए वॉक सेल वी, तो यहाँ पे सेल का यूज होगा। क्वेश्चन टैग बनाते हैं जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है या लेट अस से स्टार्ट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, डोंट टॉक टू हर लेस्ट हर ब्रदर, फिर ब्लैंक है बीट यू, उससे बातें मत करो ऐसा ना हो कि उसका भाई तुम्हें पीट दे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं उससे बातें मत करो नहीं तो उसका भाई तुम्हें पीट देगा। तो यहाँ पे लेस्ट का यूज है, तो लेस्ट का जब यूज होता है तो हम यूज करते हैं शुड का,
तो इसका सेंटेंस बनेगा डोंट टॉक टू हर लेस्ट हर ब्रदर शुड बीट यू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई थिंक यू, फिर ब्लैंक है, गो बैक। तो यहाँ पे थिंक फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे शैल। अगर यहाँ पे सेकेंड फॉर्म होती, पास्ट होता, तो शुड का यूज होता, तो इसका सेंटेंस बनेगा आई थिंक यू शैल गो बैक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई न्यू दैट आई, फिर ब्लैंक है, मीट द प्रिंसिपल। मुझे पता था कि मुझे प्रिंसिपल से मिलना चाहिए। अब यहाँ पे न्यू, ये सेकेंड फॉर्म दी हुई है यानी पास्ट है। जब पास्ट है तो यहाँ पे शैल का यूज ना करके यहाँ पे यूज होगा शुड। तो इसका सेंटेंस बनेगा आई न्यू दैट आई शुड मीट द प्रिंसिपल। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।